नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सोमवार का दिन भगवान शंकर जी को समर्पित है और मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को सच्चे मन से महादेव की आराधना करते हैं उन पर भगवान की कृपा हमेशा बरसती है। कई लोग सालों साल सोमवार का व्रत रखते हैं और कथा भी पढ़ते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। और अगर मैं मानूं ज्योतिष के अनुसार तो सोमवार के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, जो ये वीडियो हैं ये सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में हैं, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को भी समर्पित हैं और जितने भी संसार में देवी शक्ति हैं सभी देवी शक्ति को सोमवार का दिन समर्पित है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोमवार के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर से निर्धनता समाप्त हो, गरीबी समाप्त हो और हम भी नए और सुखमय जीवन जी सकें। तो ऐसा मान्यता है कि सोमवार के दिन जैसे कि सफ़ेद वस्तु हैं, दूध हैं, दही हैं, सफ़ेद कपड़ा, चीनी, ये सब का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो उनके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाती है, उनके घर से निर्धनता मिट जाती है। सोमवार के दिन अगर शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करें तो जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी बाधा चल रही है बाधा समाप्त हो जाते हैं। सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति शंकर जी को मानते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का अगर पाठ करते हैं या इसके मंत्र का 108 बार अगर जाप कर लेते हैं, सच्चे मन से जो भी व्यक्ति जाप कर लेते हैं तो जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की जो बाधाएं परेशानी हुआ समाप्त हो जाती है। भाई, ये जानते हैं कि सोमवार के दिन कौन से टोटके करना चाहिए। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सोमवार के दिन अगर बरगद के वृक्ष पर सफ़ेद कलर की अगर कपड़े बांधा जाए तो मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस भी मनोकामना के लिए आप सफ़ेद कलर की जो कपड़े होते हैं बरगद के वृक्ष पर बांधते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर जी का स्वरूप बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं देवियों को मानने वाला। जो व्यक्ति देवियों को मानते हैं जैसे कि माँ दुर्गा हैं, अष्टनव दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं, समस्त देवी शक्ति को जो लोग मानते हैं ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सोमवार के दिन सफ़ेद कलर की कनेर नव दुर्गा को समर्पित करें या जो भी देवी देवताओं को मानते हैं उसे समर्पित करें। क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, 10 स्वर्ण दान के बराबर एक जो मदार का पुष्प के चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार 1000 मदार के पुष्प के बराबर एक कनेर का पुष्प होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो काफ़ी पुण्य मिलता है, सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसके बाद आते हैं मित्रों, और अगर आप जो है प्रतिदिन सोमवार के दिन बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति अगर बेल पेड़ के जड़ पर चीनी मिला हुआ दूध अगर बेल पेड़ के जड़ पर प्रत्येक सोमवार को अगर चढ़ाते हैं तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। भिखारी जैसे व्यक्ति भी राजा जैसे धनवान बन जाते हैं, उनके जीवन में फिर कभी भी किसी भी वस्तु का भाव नहीं होता, वह धन दौलत से परिपूर्ण हो जाती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और ये शास्त्रों में लिखे गए जानकारी है। तो आशा करता हूँ कि छोटे से जो जानकारी बताए हूँ, सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताए हूँ, आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।